नमस्कार प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता। 2 जून को रात को 10 बजे, घड़ी आधा घंटे स्लो चल रही है लेकिन रात के 10 बज चुके हैं, अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली, इंद्रप्रस्थ का अपोलो दिल्ली। साथ में है ललित बिष्ट, हमारे जो सीनियर टेक्नीशियन है। अभी हमने एक एंजियोग्राफी करी, जो इनको सिम्टम भी हो रहे थे पिताजी, इनकी उम्र करीब 60 से 65 साल के आसपास की है, डायबिटीज है और इनको एंजाइना का दर्द 2-4 बार हो चुका है। जब एंजाइना होता है और डॉक्टर कन्विंस है कि एंजाइना है, तो ऐसे केसेस में हम ECG के अलावा कोई और जांच नहीं करते, क्योंकि हम TMT करेंगे तो मरीज को एंजाइना बढ़ जाएगा। इको करेंगे, हार्ट की पंपिंग पता लगती है लेकिन वो जरूरी नहीं होता, हम हार्ट की एंजियोग्राफी के साथ साथ इको की जो जांच होती है वो कर लेते हैं। हमने एंजियोग्राफी करी, एंजियोग्राफी में हमें हार्ट की 3 नसें होती है, ये लेफ्ट की नस है, ये कैथेटर है, देखिए कैथेटर क्या हुआ है, ट्यूब जो पैर की नस से गया, और एक नस LAD है और दूसरी सर्कमफ्लेक्स है। सर्कमफ्लेक्स में यहाँ पे करीब 10% ब्लॉकेज है, यहाँ करीब 25-30% है, यहाँ 30% है। आगे बढ़ाओ, तो हमने फिर राइट की नस देखी, राइट वाली नस में 80% के आसपास का ब्लॉकेज है, ये एक्सेंट्रिक ब्लॉक है। नेक्स्ट व्यू दिखाओ, नेक्स्ट व्यू में ये काफी टाइट ब्लॉकेज देखिए, अगर ये नस इसको कंपेयर करें उसको कंपेयर करें बिल्कुल पतली हो गई है। तो हमने सीधे से इसमें एंजियोप्लास्टी की जांच की, एंजियोग्राफी करी, उसके बाद हमने तार डाला एंजियोप्लास्टी, पेशेंट्स के फैमिली से बात किया, इसे गुब्बारा फुलाया, नेक्स्ट, और ये स्टेंट है, 2 छल्लों के बीच में स्टेंट है, स्टेंट की पोजिशनिंग करी और स्टेंट को फुला दिया। ये देखिए स्टेंट फूल रहा है, ये नस के अंदर स्टेंट है जा रहा है ये आगे, और स्टेंट खुलने के बाद नस पूरी खुल गई। अगर आप देखें पहले यहाँ पे ये ब्लॉकेज था और ये आप देखिए ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तो कई बार हम लोग एंजियोप्लास्टी एक साथ कर देते हैं, जैसे कि नस की एंजियोग्राफी करी उसी समय हमने एंजियोप्लास्टी का डिसीजन लिया, पेशेंट की फैमिली से बात करी और उसी समय हमने एंजियोप्लास्टी कर दी जैसा कि अभी किया। अगर कभी किसी पेशेंट को 4-5 स्टेंट लगाने होते हैं तो हम लोग सोचते हैं, टाइम लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर 1 या 2 स्टेंट तो एडहॉक एंजियोप्लास्टी कहते कर देते हैं। कोरोना काल में हम लोग सारे पेशेंट्स को पहले RT-PCR टेस्ट कराते हैं, ये दोपहर को 2 बजे आए थे, 3:30 बजे देखा मैंने, और उसके बाद एक टेस्ट कराया जीन एक्सपर्ट, यानी कि कोविड देखा गया, कोविड नहीं है, फिर हमने कैथ लैब में लिया। रात को 8 बजे एंजियोग्राफी करी, उसके बाद एंजियोप्लास्टी की प्रक्रिया होते होते एंजियोप्लास्टी करने में केवल 10 मिनट लगे मेरे ख्याल से, है ललित जी सर, 10 मिनट से ज़्यादा एंजियोप्लास्टी करने में नहीं लगा, एंजियोग्राफी में 4-5 मिनट लगता है, ये भगवान की कृपा है, कई बार बहुत जल्दी हो जाता है। और साथ में हमारे ललित बिष्ट जो कि हमारे टेक्नीशियन हैं यहाँ के अपोलो अस्पताल दिल्ली में, उनके साथ मिलके और नर्सिंग स्टाफ के साथ मिलके पेशेंट पूरा पूर्णतः होश में है। क्या हाल है आपके? ठीक है, जोर से बोलिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप कौन से भगवान को मानते हैं? सबको ही मानते हैं, सबको। जय हनुमान जी बोलिए, जय श्री राम बोल दीजिए, जय श्री राम बोल दिया, बड़े खुश हैं हम लोग। जो जय श्री राम को, राम हो, कृष्ण हो, ब्रह्मा विष्णु महेश, सबको याद करते रहना चाहिए। और ऐसी प्रथा है कि हनुमान जी तुम्हारे साथ ही रहते हैं, हमारे मतलब धरती पे हमारे साथ हैं, हम लोग के साथ में है। ललित आपको शायद, आप तो उत्तराखंड के हो, आप तो देवभूमि के हो ना, उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, तो वहां पे हम एक बार गए उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट में, तो वहां पे उस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत थे उस समय चीफ मिनिस्टर, वो मोदी जी बैठे हुए थे, उसके पीछे मुझे सीट मिली थी, तो वहां पे मैंने सबने भाषण दिए, राजनाथ सिंह साहब भी थे, सबने भाषण दिया कि उत्तराखंड का जन्म हुआ था 2000 में, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को 2 में बांटा, तो उस समय शायद 2020 में था, 2018 में गए थे, तो लोगों ने कहा कि अभी एडल्ट हुआ है, 18 साल में एडल्ट होते हैं, तो मोदी जी बोले कि हमारा उत्तराखंड एडल्ट हो गया है, अब बड़ा बच्चा बड़ा हो गया है, अब इसमें कई इन्वेस्टमेंट लाते हैं, तो देवभूमि से है, इसीलिए मैं भगवान। तो एंजियोप्लास्टी करने की क्रिया में टेक्निक की जरूरत पड़ती है, काफी सीखना पड़ता है, इट इज नॉट सो इजी, लगता है आसान है लेकिन काफी चीजों ध्यान रखते हुए हम लोग ये तकनीक को करते हैं और पेशेंट की लाइफ बचाने में मदद करते हैं, बाकी बचाने वाला तो भगवान है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर विवेक गुप्ता अलॉन्ग विद मिस्टर ललित बिष्ट ऑन 2nd of June एट ऑलमोस्ट इन द नाइट, अभी घड़ी वहीं रुकी हुई है क्योंकि घड़ी बंद हो चुकी है, वैसे 10:20 हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते। 2 जून